देखो दोस्तों, सामने जो है ना गेट नंबर 1 मुख्य प्रवेश द्वार है। सो आपको मोबाइल में जो है ना दर्शन ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो ये वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं है दोस्तों। जब जब स्नान होता है और हो सकता है संडे को ओपन होता हो, जहाँ दिया था शीश का दान वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। इस समय मैं हूँ जीटी करनाल रोड पर और मैं रुका हूँ यार महाराजा दरबार। ये एक ढाबा है जो कि यहाँ पर मूर्थल से 10 मिनट की ड्राइव पर ही आगे खुला हुआ है। सो वैसे तो मैं आपको जो है इस वीडियो में ये नहीं दिखाने लाया, मैं आपको लेके जा रहा हूँ श्री खाटू श्याम जी के दर्शन कराने राजस्थानी चुलकाना धाम। चुलकाना धाम जो है पानीपत में पड़ता है। सो मंदिर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, क्या टाइमिंग रहने वाली है टेंपल की, टेंपल में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, वीडियो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए मेरे साथ यात्रा पर चुलकाना धाम की, और कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। सिर्फ कुछ ही सेकंड का आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो महाराजा दरबार, ये जो है ना मैं यहाँ इसलिए रुक गया, मुझे वो उधर उधर की साइड पर ना आपको यहाँ पर झूले भी मिल जाएंगे, राइड्स हैं यहाँ बच्चों के लिए। और परांठा जो है मूर्थल में यार कहीं भी खा लो लगभग सेम ही है। पहले बात होती थी अमरिक वगैरह की भी मज़ेदार, लेकिन अब वो बात रही नहीं। और यहाँ पर देख रहे हो आप, आपको जो है ना ऐसे राइड्स वगैरह हैं, ये शायद 12 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री हैं, बाहर भी लगी हुई हैं। खैर हम तो परांठा खाते हैं और मम्मी को मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से वो कह रही थी, ये देखो कि भाई मुझे भी घुमा के ला चुलकाना धाम। तो परांठा आ गया, ये खाते हैं उसके बाद निकलते हैं फटाफट से चुलकाना धाम। सो भाई दोस्तों चलो यहाँ से निकलते हैं। अब हम परांठा हमने खा लिया है। सो अभी जो है ना सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्टेशन, मतलब जहाँ पर अगर आप जैसे आओगे तो कैसे पहुँचोगे। या तो ये जीटी करनाल रोड है, पानीपत वाली बस लेके आ सकते हो अगर दिल्ली से आ रहे हो कश्मीरी गेट से, तो आप पहुँच सकते हो चुलकाना धाम आराम से। अगर ट्रेन से आ रहे हो तो स्मालका जगह है, स्मालका में पड़ता है एक्चुअली में, तो स्मालका रेलवे स्टेशन पर आपको तक की ट्रेन लेनी होगी जो कि मिल जाती है आराम से दिल्ली से। सो वो भी तो दिखाना बनता है जब आपको आए, तो मैप के अकॉर्डिंग मुझे 18 मिनट के करीब और लगने वाले हैं। सो दोस्तों ये देखो सामने जो है ना ये है स्मालका स्टेशन। सो ये स्टेशन है जो कि सबसे पास पड़ेगा, मतलब आपको यहीं पे जो है आना होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उतरो। सो ये देखो ये है स्मालका का रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। सो यहाँ पर दिल्ली से तो ट्रेन आती है, आपको यहाँ उतरना होगा। लेकिन अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो आप पानीपत भी से भी ले सकते हो अगर आपको नहीं मिलती है तो। रील के लिए भी शॉट ले लिया एक। आपको ये भी बताए थे यहाँ से रिक्शा कितना लेती है भैया से पूछ के। मंदिर तक क्या रहता है चार्ज? ये हाँ चुलकाना धाम नहीं नहीं बैठना नहीं, क्या चार्ज रहता है? ₹20 सवारी, वही मतलब चार सवारी के पैसे हो गए ना ₹80। ठीक ठीक शुक्रिया, मेरे पास तो बाइक है जानकारी। सो भैया 80, भैया कहने लगे बैठ जाओ, ₹80 लगते हैं। देखो यहाँ रिक्शा वाले खड़े हैं स्मालका के लिए। चलो हम आगे निकलते हैं। देखो दोस्तों सामने जो है ना गेट नंबर 1 मुख्य प्रवेश द्वार है ये। चलो देखते हैं बाइक का कुछ कहाँ होगी, वैसे पीछे पार्किंग नज़र मुझे आ रही थी। सो जी बाइक पीछे लगा दी गली में, पार्किंग में आप खड़ी करके आ सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि अगर यहाँ पर जगह नहीं मिली तो फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी। जगह जगह पर यहाँ पार्किंग बनी हुई है, ₹20 लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा मार्केट दिखाते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर दर्शन करते हैं। सो ये देखो कुछ इस तरीके से है ये पूरा का पूरा मंदिर का रास्ता। यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पर मिष्ठान भंडार मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल जाता है, और भी खाटू श्याम से रिलेटेड जो चीज़ें आपको लेनी हो तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कहीं लोग गुलाब चढ़ाते हैं, गुलाब आपको मिल रहा है, पेड़े का प्रसाद है, लड्डू का प्रसाद है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हुई, पंजीरी है, ये देखिए इधर की तरफ भी। और सो सारी दोनों तरफ भी जो है ना शॉप्स हैं यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं झंडे, ये खाटू श्याम जी को चढ़ते हैं और ये निशान कहलाते हैं। और बाकी प्रसाद में तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर जो जय श्री श्याम। सो भाई देखो यहाँ पर हमने जो है ना वो लिया है पेड़े का प्रसाद ले लिया, बाकी चूरमा है ₹300 किलो रहता है, ₹400 पेड़े रहते हैं, और भी काफ़ी सारा प्रसाद है। ये वाला ये कितने का रहता है? ₹50 का रहता है। बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चाहें श्याम बाबा सारा प्रसाद एक्सेप्ट कर लेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कह रहे हैं संडे वगैरह के दिन ज़्यादातर भीड़ रहती है, एकादशी को भी रहती होगी। हाँ एकादशी को ठीक है जी।
तो हमने प्रसाद ले लिया है। निशान आप अपने लोग कहीं निशान भी चढ़ाते हैं बट अभी हम नहीं ले रहे, और यहाँ से एंट्री हो जाएगी, अंदर चलते हैं। तो भैया देखो, मंदिर में मर्यादित कपड़े पहने, मतलब कि यानी कि कटे फटे जीन्स अलाउड नहीं है लड़कों को, यानी कि कैपरी पहन के आ जाओ, औरतों को भी फीमेल्स को भी जो है सूट पहनने, ऐसा काफ़ी मंदिर में होता जा रहा है धीरे धीरे, जो कि सही है। सामने जो है मंदिर का टाइमिंग, जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, मंदिर खुलने का समय है सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। तो आप यहाँ 7 दिन में से कभी भी आ सकते हैं। थोड़ा भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे और वीकेंड्स को और अपना वो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी तो हाँ। सो ये जगह में क्या खासियत है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम। सो यहाँ पे जूता चप्पल स्टैंड मिल गया था, यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल उतार दिए। ये देखिए कुछ यहाँ से मंदिर मुझे नज़र आता हुआ, सामने खाटू श्याम जी यहाँ से भी दर्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। एंट्री उस तरफ से ऐसे करके जाके अंदर से यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, अंदर भी आपको दिखाते हैं अगर कैमरा अलाउड हुआ तो। लेट्स सी, चप्पल स्टैंड यहाँ पर भी है एक, आपको मिल जाएगा हाथ वगैरह धोने के लिए पानी वगैरह। यहाँ से अंदर जाना है हमने, मंदिर का परिसर जो है काफ़ी बड़ा मुझे नज़र आता हुआ, और जो है ना यहाँ पर काफ़ी शांति महसूस होगी आपको आके, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, जो राजस्थान नहीं जा पाते ना वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलो, हमारे तो दिल्ली के बहुत पास पड़ता है तो आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये मंदिर के अंदर हम आ गए, और आज भीड़ भी कम है अभी मंदिर में। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। तो यहाँ अपना दान पात्रों में ही डालें। तो ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ दिया था शीश का दान वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। सो बेसिकली यहाँ पर शीश का दान दिया था, मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या महत्व है इस स्थान का, इस मंदिर का। तो सामने जो है श्याम जी के दर्शन आप कर सकते हैं, इसमें नज़र नहीं आएंगे, मोबाइल में करूँगा तो आपको क्लोजअप नज़र आएगा। सो अब आपको मोबाइल में जो है ना दर्शन ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखो सामने आपको दर्शन हो रहे हैं श्री श्याम जी के, जय श्री श्याम। बहुत बढ़िया दर्शन है, कोई यहाँ पर भी जो है भीड़ भी नहीं है। आज के दिन होती नहीं है? हाँ जी, आज के दिन भी होती नहीं है, आज के दिन ही होती। हाँ, संडे को 81-82 संडे 87 तो बढ़िया है। बाबा जी का भी शेष दिन है 81। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सो भाई यहाँ से आ गए हम बाहर, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये देखिए यहाँ पर एक भगवान विष्णु जी हैं, ये एक अलग ही अलौकिक रूप में नज़र आते हुए, और काफ़ी आनंद आता हुआ यहाँ पर। हमारी माता जी कह रही है फ़ोटो खींच दो, फ़ोटो खींच देते हैं। इस वृक्ष को आप देख रहे हैं यहाँ पर, कैसे लोग जो हैं इसकी पूजा कर रहे हैं, इसमें मोली बांध रहे हैं। तो ये वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं है दोस्तों, ये वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष है, और जो है ना ये वृक्ष जो रहने वाला है उसे बताने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि खाटू श्याम जी कौन है। तो दोस्तों खाटू श्याम जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये उनके लिए है, वैसे तो मोस्टली सब जानते हैं बट फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता। महाभारत काल से जो है इस मंदिर का लेना देना है, यानी कि इतिहास है, और ये मंदिर जो है काफ़ी बड़ा है, प्राचीन है। महाभारत काल में भीम हुआ करते थे, उनके पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, जो कि काफ़ी शक्तिशाली थे, और उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ था, वरदान में उन्हें मिले थे कुछ तीर जो कि काफ़ी शक्तिशाली थे। तो कृष्ण भगवान जी ने उनकी शक्ति का जो है परीक्षण लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए उनसे बोला कि पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दो। सो आप जो ये वृक्ष देख पा रहे हैं ना, ये वही वृक्ष है जिसमें बर्बरीक ने एक ही तीर से इन सारे वृक्षों में छेद कर दिया था। ये उस ज़माने का ही चलता आ रहा, आज भी ये वृक्ष माना जाता है और यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। तो ये तो हो गया इतिहास बर्बरीक का, इस पेड़ का, और बर्बरीक का, और खाटू श्याम जी का। सो जी आओ आपको श्री श्याम कुंड के दर्शन कराते हैं। इधर जो आप देख पा रहे हैं ये है श्याम कुंड, अभी इसे बंद कर रखा है, क्यों बंद कर रखा है मुझे नहीं पता है, मे भी हो सकता है ये एकादशी वगैरह पे खुलता हो जब स्नान का महत्व होता है, सो ये तभी खुलता होगा, इसलिए ये कुंड बंद है जब जब स्नान होता है, और हो सकता है संडे को ओपन होता हो, तो आगे मैं पता करके आपको बताता हूँ कि ये संडे ओपन होता है या नहीं होता है। अब जो है इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पहले तो आप साथ साथ मेरे देखते रहिए, मंदिर के दर्शन करते रहिए, क्योंकि मंदिर के दर्शन के साथ साथ मैं बात करूँगा ना आपसे अच्छा लगेगा। मेरे को अपना चेहरा नहीं दिखाना, मुझे आपको मंदिर दिखाना है, उसके लिए मैं आया हूँ, और मेरी ज़्यादातर वीडियो में यही कोशिश रहती है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आओ आगे की तरफ,
मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। एक बार आप फिर से यहाँ से, आपको तो ज़्यादा नज़र नहीं आ पाएंगे बट फिर भी दिखा देते हैं। देखो अंदर ही शाइन ही मार रहे हैं वो वाइट वाइट से। तो यहाँ पर जो है मैं बहुत से देखो श्रद्धालु भी आए हुए हैं। सो बरबरीक खाटू श्याम जी कैसे बने, अब बात आते हैं यहाँ। सो बरबरीक से श्री कृष्ण भगवान जी ने शीश दान में ले लिया। शीश दान में जब लिया था, जो उन्होंने शीश दान दिया था वो इसी स्थान पर दिया था। और मंदिर को भी आप साथ साथ जरूर देखिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। शीश दान में दिया उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी को, और यह कहलाया चुलकाना धाम। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उनसे शीश दान में लिया तो उन्होंने यह बोला कि भाई कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम नाम से पुकारे जाओगे, तो इसलिए श्री श्याम नाम से पुकारे जाते हैं। खाटू जो है अपना राजस्थान में पड़ता है, खाटू श्याम धाम, और ये श्री श्याम धाम चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। तो श्री श्याम, इसके बाद रास्ते में एक पड़ता है दिल्ली का धाम, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में वो भी आपको दिखाया जाए, जाते हुए उसका भी प्लान है। तो ये स्टोरी आपको पता लग गई होगी। अब चलिए मंदिर के परिसर को देखते हैं। सो इस पेना पत्थर पे सारा का सारा हिस्ट्री दी हुई है, बट ये आपको नज़र नहीं आ पाएगी इसके अंदर, बहुत छोटे अक्षरों में लिखी है। वीडियो में अगर आ गई तो आप पोस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वही दिया है जहाँ दिया था शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि जहाँ बसा हमारा चुलकाना धाम। सो यह घटना महाकाल की है, वही जो मैंने आपको बताया घटोत्कच महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच, उनका किससे विवाह हुआ और उनका पुत्र बरबरीक, बरबरीक ने कैसे करके वरदान प्राप्त किया, कृष्ण जी ने क्यों उनसे जो है शीश दान लिया। सो ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। सो मंदिर का यहाँ पर आप परिसर देख सकते हैं, पूरा बड़ा, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, शायद ये वाटरफॉल होता है, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं ऊपर चढ़ के। सो ये देखो यहाँ पर ना इस तरीके से लोग खाटू श्याम जी के दरबार में ईंटों से बिल्डिंग बनाते हैं। सो बेसिकली ये घर की रिक्वेस्ट है, उनसे प्रार्थना है कि मेरा भी अपना एक घर हो। ये देखो भाई उस साइड था मंदिर, मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत आपको घुमा रहे हैं और इतिहास आपको बताया है। इस तरफ देखो ग्रीनरी है, उस तरफ ग्रीनरी है, सिटिंग के लिए प्रॉपर बना रखा है, आप अपना आराम कर सकते हो। अभी तो धूप है बट सर्दियों में तो आप बैठ ही सकते हो आराम से आके। ये देखो ऐसे सिटिंग के लिए ये बनाए हुए ना। सो ये देखो यहाँ पर कुछ निर्माण हुआ है अभी, पत्थर पत्थर भी लग रहा है, अभी तो घिसाई हो रही है, पूरा का पूरा शेड वेड लगा हुआ है। सो ये सारा हो रहा है यहाँ पर, और कुछ वहाँ पर चित्र आपको नज़र आ जाएंगे बने हुए, पेड़ पौधे तो बहुत है। तो ओवरऑल एक बढ़िया अपना मंदिर है, पीसफुल और बढ़िया दर्शन शांति का अनुभव। ये माता जी से पूछते, माता जी, ये माता जी कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत बढ़िया, अच्छे दर्शन। बहुत दिन से बोल रही थी कि घुमाला 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 ट्रैवलर। ये देखो वॉशरूम वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, महिला शौचालय जेंट्स शौचालय। चलिए वापस चलते हैं बाहर की ओर। सो वापस आके पूरे मंदिर का दर्शन करके और कुंड पे ही हूँ, कुंड के लिए मैंने आपको कहा था ना बताऊंगा। तो कुंड का यार सीन क्या है कि ये संडे ओपन होता है या फिर एकादशी वगैरह पे, जैसा कि मेरे को लगा ही था, क्योंकि ना वो बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं डेली, जब ओपन होता था तो गंदगी फैला के जाते थे यार स्नान में, कपड़े छोड़ जाते हैं, और ये हर जगह है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, हरिद्वार जाते हैं वहाँ कपड़े छोड़ देते हैं हर की बॉडी में। तो मतलब कुछ समझ के परे है ये बातें, अपना डस्टबिन में फेंक दो अगर, चलो तुम्हें ये तुम्हारे में ये है कि भी पुराने कपड़े तुम्हें दोबारा नहीं पहनने, तो एटलीस्ट उसको डस्टबिन में फेंक दो यार, या किसी पॉलीथिन में लेके जाओ, घर पर फेंको कहीं पर, यहाँ क्यों छोड़ के जाते हो धार्मिक स्थानों पर, चलो सफाई रखा करो। तो ये था ओवरऑल मंदिर। ये देखो बंदर महाराज जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लंगूर महाराज जी, ये बंदरों के लिए है, बंदरों के लिए। ये देखो उधर देखो, ये शायद बंदरों से बचने के लिए भी बिठाए जाते हैं ना लंगूर जी। दोस्तों आज मैंने जो है आपको श्री श्याम जी के दर्शन चुलकाना धाम में कराए, मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी आनंद आया, और आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी पसंद आई। कोशिश सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, टाइमिंग भी बताइए कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ तक कि स्पेशल स्टेशन पे गया मैं बाइक से आया था, बाइक के लिए पार्किंग एम्पल है आपको बाहर मिल जाएगी, कार के लिए भी बनी हुई है, सो आप बाहर गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब काफ़ी अच्छा था, कुंड वगैरह सब आपको मैंने दिखा दिया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करके जय श्री श्याम लगा के अपनी हाजिरी लगाइएगा, हारे का सहारा है ये हमारा श्याम। तो चलो खैर अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।